जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस अभी जो वीडियो लेके आया हूँ वो है एसी रिक्वायरमेंट 2023 की भर्ती को लेके, जो फायरमैन और ट्रेडमैन की आई है। अभी क्या है, काफी दोस्तों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और काफी दोस्तों के पेंडिंग है। तो जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप अपनी जो भी फिजिकल वगैरह की तैयारी है वो कंटिन्यू कर दें और जोर शोर से कर दें। अगर आपको लगता है मैं फिजिकल भी कर दूंगा, तो फिजिकल करने वाले हो तो आप अपने रिटर्न टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ रखिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने के लिए, तो वो भी आप कंटिन्यूसली रखें और जोर शोर से रखें। और मैं अभी एक दो दिन में आपके लिए वीडियो भी लेके आऊंगा, वो 63 kg वेट उठाने वाले, मतलब सबसे ज्यादा बहस हो रही है उस पर, वह उठा पाते नहीं पाते, तो मैं आपको दिखाऊंगा 63 kg वेट भी आप आसानी से उठा सकते हो। अगर आपको फायरमैन में भर्ती होना है तो इतनी हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि फायरमैन की जॉब इतनी इजी नहीं है। ये एक पूरी रिस्क वाली जॉब है, जिसमें मतलब बंदा पूरा एक्टिव और माइंड सेट भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उसका आईक्यू लेवल भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो, क्योंकि सही से डिसीजन ले सके, तो उस हिसाब से आपको फायरमैन की जॉब के लिए तैयारी करना, और उसी हिसाब से उन्होंने फिजिकल टेस्ट रखा है। और जिस भी दोस्त को अभी फिजिकल के बारे में पूरा नहीं पता, तो मेरी पीछे की वीडियो जाके देखे, फिजिकल वगैरह में बता रखा है। और जिन दोस्तों के एडमिट कार्ड नहीं आए, मैंने लगभग 20 तारीख तक बोल रखा था आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उनको बता देता हूँ, आपके अभी एडमिट कार्ड आने के सिर्फ 10% चांस बचे हैं। अभी एडमिट कार्ड आने में बहुत ही कम चांस है मान के चलो आप, और इसके पीछे कोई बता रहा है मेरे 70%, कोई 90 बता रहा है, तो आपके परसेंटेज जरूर है, हम ये इसको डिनाई नहीं कर रहे भाई, इतना आपके इतने परसेंट मार्क नहीं है। और ये कोई लिस्ट ये नहीं लगी रीजन वाइज, ये जो भी कुछ भी यूट्यूब पे कुछ भी बता दे, ये ऑल इंडिया बेस पे है। और आपके जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने कुछ ना कुछ उसमें कमियां रखी होगी, इसलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आए। आपने सही से, अभी भी काफी दोस्तों के मैसेज आते हैं, सर मेरे उनके एडमिट कार्ड हालांकि आ चुके हैं लेकिन अभी उनकी क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, सर मेरे नेम की जगह मेरे दादा का नाम लिख दिया, पता नहीं किसका नाम लिख दिया, मेरे नेम की जगह मेरी माँ का लिख दिया, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। देखो, ये आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको देखना चाहिए था, आपको इन चीजों को क्या है, आप फॉर्म अप्लाई करने वाला भी इतना वो नहीं होता पढ़ा लिखा, वो ठीक है उसको कंप्यूटर की ठीक ठाक नॉलेज होती है, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसके पास बैठ के आपको फॉर्म भरवाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए वे क्या फॉर्म अप्लाई कर रहा है, नेम क्या लिखा जा रहा है, बाप का नेम क्या लिखा है, वो चीजें आपको पहले देखनी चाहिए थी। अभी जिन दोस्तों के नाम गलत हो गया है ना, तो उनको क्या है, आप जब भर्ती में जाओगे वहां पे, तो आप वहां पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के उसको ठीक करवा सकते हो, वहां पे आपको हो सकता है बढ़िया से मौका भी मिल जाए, वे आप उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो ठीक करवा लें। लेकिन आपको आगे जब जो भी दोस्त फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, और आपको सबमिट करने से पहले ये चीज देखनी है, मैंने सही से सारा डाटा फिलअप किया या नहीं किया। अभी जिन दोस्तों के एडमिट कार्ड नहीं आए, वो दोस्त निराश ना हो, क्योंकि ये कोई पहली और लास्ट भर्ती नहीं है, बहुत सी भर्तियां निकल रही है डिफेंस में, और अब मैं लगातार आपको अपडेट भी देता रहूंगा भर्तियों को लेके, तो आप बाकी के लिए तैयारी करते रहे, जो भी अभी डिफेंस की भर्ती आने वाली है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, हर एक डिपार्टमेंट में आने वाली है, और AOC में भी आपको जल्दी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।